जब भी हम चिकन की कोई भी पार्ट यूज़ कर रहे हैं, हम लोग चाहे लेग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग चाहे ब्रेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो टेस्टी इसमें से वही पार्ट होगा या टेंडर वही पार्ट होगा जिसके कि अंदर फैट होगा। जैसे कि थाई के अंदर, जो थाई हमारी होती है उसके अंदर फैट होता है, जो वाइट वाइट पार्ट है, वसा या फैट बोलते हैं, ब्रेस्ट के अंदर कम होता है और फैट उसके अंदर ही ज़्यादा होगा जो पार्ट जितना ज़्यादा एक्टिव होगा। जैसे कि मान लीजिए चिकन है, चिकन की जो थाई होती है वो बहुत ज़्यादा वर्केबल होती है क्योंकि वो चिकन यहाँ से वहाँ भाग रहा है, पर जो ब्रेस्ट वाला पार्ट होता है वो ऐसे ही बैठा रहता है। इवन अगर हम लोग चिकन से छोड़ के अगर हम लोग मटन की बात करें या किसी और मीट की बात करें, किसी और जानवर की बात करें, तो जो उनके पैरों का मीट होता है वो ज़्यादा महंगा आता है। जैसे हम लोग बकरे की रान बोलते हैं, उसके खरोड़े बोलते हैं, और वो टेस्टी भी होता है। तो जो जितना पार्ट, जो जितना ज़्यादा वर्केबल होगा वो उतना ज़्यादा टेस्टी होगा और उसके अंदर उतना ज़्यादा जेलेटिन और फैट होगा। तो सबसे पहले ये है, तो अगर आप अपनी डिश बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो लेग वाले पार्ट है वो यूज़ कीजिए, ब्रेस्ट वाले पार्ट उतने ज़्यादा टेस्टी नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर फैट नहीं है।